Good morning and welcome back to my YouTube channel. A very happy Republic Day to all of you. जैसे हम लोग शहर से बाहर निकले हैं, ठंड गजब की थी, बहुत ही मस्त ठंड। और दूसरी चीज़ ये कि कोहरा, थोड़ा खड़ा होकर चलाते हैं। वाह, ये जो ऐसे खड़े होकर चलाने का मज़ा है ना हिमालयन पे, बहुत बढ़िया। And on this occasion, I'm on a short ride, Delhi Meerut Expressway. You can see how the sun is. Still cloudy, still very cold, and I'm in the center of the sugarcane fields. Very nice, बहुत बढ़िया। तो आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपने इस नए जे माउंट का, जो अभी लिया हम लोगों ने अमेज़ॉन से, और देखते हैं इसका क्या रिव्यू आता है, क्योंकि इसके फिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये ऊपर अटक जाता है, यहाँ पे नीचे तक नहीं आ रहा है। तो अदर देन दैट जे माउंट, आई ऑल्सो हैव दिस गॉट चेस्ट माउंट। तो लेट्स सी विच फुटेज इज बेटर एंड विच इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़। का ये जो छोटी सी राइड है, इसका करने का एक मकसद और था, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम एक बहुत ही लंबे राइड पर जाने वाले हैं, और उस लंबी राइड पर जाने से पहले मौसम का क्या मिजाज है, बाहर की हवा कैसी है, उसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो हमारी राइड होने वाली है, ये कोई इतना टफ राइड नहीं है, क्योंकि हम पहाड़ों पे नहीं जा रहे हैं, हम रहेंगे प्लेन्स पे, हम रहेंगे हाईवेज पे, एक्सप्रेस वेज पर रहेंगे। बट जो हवा है इस वक्त, क्योंकि अभी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पूरी वाइट शीट बिछ चुकी है, अब जो पहाड़ों से हवा निकल करके और मैदानी इलाकों में आ रही है, जिसको हम शीत लहर भी कहते हैं, द कोल्ड विंड, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। क्योंकि ये हमारे जैकेट के अंदर, पैरों में, हर जगह, हेलमेट के अंदर, हर तरफ से ये हवा घुसती है। और ये हवा जब हम सड़क पे चलते हैं ना, तो शायद आप जब घर के अंदर होते हैं तो उतना ठंड नहीं लगता है, पर जब आप बाहर आते हैं तब ठंड ज़्यादा महसूस होती है। तो मेरी इस बाइक के 5000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, हुए नहीं है, 2 किलोमीटर और बचे हैं। इट्स लाइक 4998 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स आर स्टिल लेफ्ट, और इसकी जो सेकंड सर्विस है वो होने वाली है। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ हिमालयन के बारे में। अभी आप कोई दूसरी बाइक चलाते हैं, और अगर आपका मन है हिमालयन लेने का, तो ध्यान रखें कि जो हिमालयन है कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास बहुत बेहतरीन बाइक है, एक्सेप्ट द टायर्स, क्योंकि इसके जो टायर्स हैं वो स्पोक टायर्स हैं, कब कहाँ पंचर हो जाए कुछ नहीं पता होता। एक ये सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है। दूसरा ये है कि अभी थोड़ा सा एवरेज इसका ख़राब है, मेरे ख्याल से सेकंड सर्विस हो जाएगी तो शायद इसका एवरेज थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। इसका जो फ्यूल मीटर है यहाँ पर, वो पूरी तरीके से सही नहीं शो करता है, तो जो इसकी रीडिंग आती है वो कई बार डाइसी होती है, कई बार ऐसा लगता है कि वो ई पे आ चुका है। बट स्टिल जब हम बाइक रोकते हैं, एक बार ऑन ऑफ करते हैं, तो वो फिर से उसका जो कांटा है वो वापस थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो वो थोड़ा सा डाइसी है अभी तक। अब वो सिर्फ मेरी हिमालयन में है ऐसा, या और भी हिमालयन में है ऐसा, ये कन्फर्म नहीं है, बट मेरी हिमालयन में तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम हिमालयन में वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो वाइब्रेशन बहुत ही कम है। जब आप 100-110 इसके आसपास जाते हैं या इसके ऊपर जाते हैं, तब आपको वाइब्रेशन महसूस होती है थोड़ी थोड़ी। अगर आप 80-100 रहते हैं तो आपको वाइब्रेशन बहुत ही कम, बहुत ही हल्की वाइब्रेशन पता चलता है।
यही बात मैं कह रहा था कि जो मेरा फ्यूल मीटर है लगभग इतना ही था जब मैंने यहाँ से राइड स्टार्ट करी थी, और 4000 समथिंग किलोमीटर था, 4050, अभी 5028 किलोमीटर चल गया है, अराउंड 60-70 किलोमीटर, और जो मेरा मीटर है फ्यूल मीटर वो उतना ही शो कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, दिखाते हैं कल इसको जब सर्विसिंग कराएंगे। हिंडन एयरफोर्स बेस बहुत ही नज़दीक है हमारे घर से, तो ये अभी इधर उड़े राजपथ पे, और ये यहाँ से अभी निकलेंगे। थोड़े से बादल हैं जिसकी वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा, और ये किसी तरह से तो निकल रहे हैं, लेफ्ट राइट उड़ ऊपर से ही रहे हैं, पर कहीं बादलों में बहुत ऊपर निकल गए लगता है। तो रिपब्लिक डे परेड का सबसे अच्छा जो मोमेंट होता है वो यही होता है जिसमें फ्लाई पास होता है इंडियन एयरफोर्स का, बहुत गजब। तो इसी के साथ ख़त्म हो गया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, बहुत बढ़िया है। जो ये फ्लाई पास होता है ना एयरफोर्स वालों का, ये मतलब अंदर ही अंदर एक ऐसा जोश पैदा कर देता है कि कोई भी इंडियन जो इस चीज़ को देख रहा होगा ना उसके मतलब रोंटे खड़े हो जाते हैं, और बहुत अच्छा, बहुत 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 ही वेरी नाइस। तो चलिए अभी इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।